आजकल ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में मेरे जैसे ऐसे काफी लोग होंगे जिन्होंने कैश रखना कम किया होगा, बट आज मुझे कैश की जरूरत है और कैश में भी आई जस्ट वांट 50 रुपीज की नोट बिकॉज उसके सिवा मेरी ये ट्रिप स्टार्ट नहीं हो सकती। अब ये सब सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस प्लेस की बात कर रही हूँ। सो यस, आई एम गोइंग टू अ प्लेस विच इज अंडर अ ह्यूज मिस्ट्री एंड हैज वंडरफुल स्ट्रक्चरल मॉन्यूमेंट जिसका नाम है हम्पी और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मैं जा रही हूँ हम्पी फॉर 3 डेज एंड 2 नाइट विच इज मोर देन इनफ है पूरा प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स गो एंड गैदर ऑल द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस एंड ऑल्सो अगर आपको इसके कॉस्टिंग के बारे में जानना होगा तो ऐसी ऐसी वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो गाइज आफ्टर 17 आवर्स की जर्नी मैं फाइनली पहुंच गई हूँ हम्पी। मैंने ट्रैवल किया फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से आने वाले लोगों को 2 ऑप्शंस है, एक तो है बस एंड दूसरा है ट्रेन का ऑप्शन, जो दोनों भी आपको हॉस्पेट या फिर हुबली जैसे जगह पर ड्रॉप करेगी। देन आगे की जर्नी आपको ऑटो रिक्शा से करनी होगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर के नंबर मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन्हें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको पिकअप एंड ड्रॉप जो है वो दे देंगे। Other than this, you can also come by airways. Nearest airport is in Bangalore, जो कि international airport है, जहाँ से आपको आगे की journey cab या फिर bus से करनी होगी। South की major city से buses भी निकलती है, तो अगर आप south की किसी city से travel करें तो आपको bus and train ऐसे दोनों option है, जिसकी booking link मैंने already नीचे description box में दे दी है। तो राइट नाउ आई एम एट माई स्टे जिसका नाम है हम्पी नेचर कॉटेज। आप मेरे पीछे देख सकते हो ऐसे स्मॉल कॉटेजेस है यहाँ पर और ये भी नॉर्थ साइड में ही है हम्पी के, जहाँ पर हिप्पी आइलैंड वगैरह है। तो यहाँ के सभी स्टेज सिमिलर ही आपको मिलेंगे और ये जो स्टेज है वो बैम्बू स्टिक से बनाया गया है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी ब्रीदेबल है एंड इको फ्रेंडली भी है, तो बहुत ठंडा रहता है अंदर से रूम एंड आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो एंड चेक कि अंदर से कैसा दिखता है। तो ये है इसके अंदर का व्यू, बहुत ही छोटा सा एंड कोजी स्टे है, जहाँ पर अंदर आपको एक डबल बेड एंड वॉशरूम विथ स्मॉल मिरर एंड बाहर ऐसा वरेंडा मिलेगा जहाँ आप चेयर डाल के बैठ सकते हो। बट उससे भी बेस्ट है यहाँ का कम्युनल स्पेस, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक है। यू कैन इवन वर्क फ्रॉम हियर, देयर आर चार्जिंग प्लग्स एज वेल। बहुत ही मस्त वाइब है यहाँ पर, जहाँ पर नाइट में जैमिंग सेशन वगैरह भी होते हैं। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आइलैंड वाइब्स, वहाँ पर आपको सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस मिलेंगी और उसी के साथ टेंट स्टे के भी ऑप्शन है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ होम स्टेज वगैरह भी है एज वेल एज कुछ लग्जरियस स्टे भी है, जिसकी बुकिंग आप booking.com वगैरह से कर सकते हो। बट अगर आपको हम्पी में आके हिप्पी वाइब्स चाहिए तो डू स्टे इन नॉर्थ हम्पी। हम्पी हैज़ सो मेनी डिफरेंट प्लेसेज लाइक टेम्पल्स जो अभी रुइंस में चले गए हैं, देन चैरियट एंड इवन हिप्पी आइलैंड यहाँ का बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बाहर की कंट्रीज से भी लोग आते हैं। तो ये प्लेसेज डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स विच यू कैन सी इन दिस मैप। तुंगभद्रा रिवर जो बीच में से फ्लो हो रही है, उसकी ऊपर की साइड है ऑल द हिप्पी कैफेज एंड प्लेसेज एंड रिवर की ये साइड है पूरा हम्पी, वेर यू विल गेट टू सी ऑल द फेमस प्लेसेज, जो कि आगे हम एक एक करके देखेंगे। तो गाइज आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन जानेंगे यहाँ की डे टू डे आइटिनरी के बारे में। अब एज आप भी मेरी तरह ट्रैवल करके हम्पी तक आए हैं, तो डे 1 में आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट तुंगभद्रा रिवर के ये साइड ऑफ हम्पी, जो कि आप बाइक रेंट पे लेके एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्सो देर इज़ 1 मोर ऑप्शन जो कि है ऑटो एंड लोकल बसेस का, तो मैंने तो आपको बाइक रेंटिंग एंड ऑटो ड्राइवर का कॉन्टैक्ट ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो रिसेंट कॉस्टिंग के लिए आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो। तो बाइक लेके मैं गई सबसे फर्स्ट प्लेस पर, जो कि है एंशियंट श्री चिंतामणि देवालय। यहाँ कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, अंदर एंटर करते ही देर आर मल्टीपल स्मॉल टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड शिवजी एंड पार्वती देवी का भी टेम्पल है, वहाँ आप दर्शन ले सकते हैं। ये प्लेस रामायण टाइम से है ऐसा माना जाता है, जहाँ पर श्री राम सुग्रीवा को फर्स्ट टाइम मिले थे टू सीक सपोर्ट इन फाइंडिंग सीता।
यहाँ पर श्री राम के चरण के भी आपको दर्शन मिलेंगे और एक ऐसी गुफा देखने मिलेगी जहाँ ऐसा कहते हैं कि श्री राम वहाँ तपस्या करने बैठते थे और उस जगह को आज भी वर्शिप किया जाता है। इस गुफा में जो स्मॉल घर जैसा दिख रहा है वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि शबरी माँ रहती थी जिसे मिलने श्री राम आते थे। तो आप भी ये हिस्टोरिक प्लेस एक्सप्लोर करके जा सकते हो सामने के तुंगभद्रा रिवर जस्ट टू रिलैक्स एंड क्लिक सम फोटोज। अब नेक्स्ट प्लेस इज दुर्गा देवी टेम्पल। अब जो बस से यहाँ आ रहे हैं उन्हें मैं बताऊंगी कि यहाँ मेन गेट के बाहर ही बस स्टॉप है, तो वो वहाँ उतर के आ सकते हैं अंदर बाय वॉकिंग। अब मेरे पास टू व्हीलर है तो बाकी कोई भी व्हीकल आप अंदर तक लेके जा सकते हो। अब एज ये टेम्पल एक हिल पर है तो पार्किंग से लेकर टेम्पल तक आपको स्मॉल क्लाइंब करना होगा। ये भी एक बहुत पुराना टेम्पल है जहाँ आज भी वर्शिप किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि विजयनगरा के किंग्स यहाँ इस टेम्पल में प्रे करने आया करते थे बिफोर सेटिंग आउट फॉर द बैटल्स। आफ्टर दिस नेक्स्ट प्लेस विच यू कैन विजिट इज सानापुर लेक। दिस प्लेस इज फेमस फॉर क्लिफ जंपिंग एंड कोराकल राइड। यहाँ मल्टीपल वेंडर्स आपको मिलेंगे, तो अच्छी डील देख के आप किसी से भी कोराकल राइड वगैरह करवा के ले सकते हो। कुछ लोग अर्ली सनराइज के टाइम कोराकल राइड करना भी पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक नंबर शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉल कर सकते हो। तो ये दोनों भी एक्टिविटीज करने या फिर सिर्फ चिल करने यू कैन विजिट सानापुर लेक। अब आफ्टर दिस डे वन की लास्ट प्लेस है जहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो वैसे तो यहाँ पर दो प्लेस है जहाँ पर सभी लोग सनसेट देखना पसंद करते हैं। एक है सनसेट पॉइंट जो कि हिप्पी आइलैंड पर है और दूसरा है अंजनाद्री हिल्स। अंजनाद्री हिल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ये हिल के टॉप पर उनका छोटा सा टेम्पल है जहाँ पर पहुँचने के लिए यू हैव टू क्लाइंब 575 स्टेप्स। तो आप यहाँ पर सनसेट से थोड़ा जल्दी ही पहुँचे बिकॉज ये स्टेयर्स चढ़ के मंदिर में दर्शन लेने के बाद यू कैन वॉच ब्यूटीफुल सनसेट। तो आफ्टर वॉचिंग ऑल द प्लेसेस इन डे वन मैं गई मेरे स्टे पर एंड डिनर में आई ऑर्डर सम चाइनीज फूड जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, वो खा के मैं गई अपने कॉटेज में। तो गाइज आज है डे टू और डे टू की शुरुआत हम करने वाले हैं मेन हम्पी से जो कि रिवर के वो साइड है जहाँ पर सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह है। तो वहाँ पर घूमने के ऑप्शन दो है, एक तो आप रिक्शा हायर कर सकते हो एंड सेकेंड ऑप्शन इज बाइसिकल राइड। अब मुझे तो बाइसिकल चलाना आता नहीं है इसलिए मैंने रिक्शा हायर किया है। रिक्शा का कॉस्ट होता है कुछ 2000 से लेकर 2500 एंड बाइसिकल का कॉस्ट रहता है 100 रुपीज पर पर्सन पर डे। तो मेरी तो रिक्शा पीछे आ गई है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस। तब बिफोर एक्सप्लोरिंग प्लेसेस मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लोकल स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर साउथ इंडियन फूड मिलेगा। तो मैंने भी मसाला डोसा लिया है, तो अगर आप भी हम भी आते हो तो यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच गई हमारे डे टू के फर्स्ट लोकेशन पर जो है विजया विट्ठला टेम्पल। ये हम्पी का वन ऑफ द फेमस प्लेस है। यहाँ पर अंदर एंट्री करती ऐसे गोल्फ कार्ट आते जिसका 10 रुपीज़ सिंगल जर्नी और 20 रुपीज़ फॉर रिटर्न जर्नी ऐसा टिकट है। तो आप वो गोल्फ कार्ट से अंदर तक आ सकते हो। अंदर आती आपको मेन टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा जिसका टिकट का कॉस्ट है 40 रुपीज़। और इस टिकट में 3 प्लेसेस कवर हो जाते हैं, एक जो है विजया विट्ठला टेम्पल, देन सेकेंड है लोटस महल और थर्ड है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। तो टिकट तो मैंने ले लिया, ऑल्सो मैंने यहाँ पर एक गाइडेड बुक भी लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर आके गाइड भी ले सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर अप्रूव गाइड भी है। तो गाइड का कॉस्ट मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अभी चलते हैं टेम्पल के अंदर। सो गाइज ये है विजया विट्ठला टेम्पल। ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस प्लेस है हम्पी की जो अभी रूइंस में चली गई है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर विट्ठल भगवान का टेम्पल हुआ करता था जो कि अभी शिफ्ट हुआ है इन पंडरपुर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स है देखने के लिए जो आपको घूमने में अराउंड 1 आवर आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर मेन महामंडपा है, देन कुछ म्यूजिकल पिलर्स है एंड सबसे फेमस स्टोन चैरियट भी है। तो चलो एक एक करके वो एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का सबसे फेमस स्टोन चैरियट जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है।
पूरे इंडिया में ऐसे 3 स्टोन चैरियट है, एक है उड़ीसा में, दूसरा है तमिलनाडु में महाबलीपुरम टेम्पल में और थर्ड है यहाँ हम्पी में। ये जो स्टोन चैरियट है ये इतना फेमस है, इसको आपने कहीं पर देखा होगा, ये हमारे 50 रुपीज़ के नोट के पीछे है, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और वो 50 रुपीज़ के नोट के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन, वो जो कि है म्यूज़िकल पिलर्स। सो गाइज, ये है वो म्यूजिकल पिलर्स। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े 56 पिलर्स है एंड स्मॉल पिलर्स जो है वो 265 है। इन्हें प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह लेके बनाया है और वो टाइम पे म्यूजिक प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इन पिलर को सारेगामापा पिलर्स ये नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि आज भी अगर हम इसे प्ले करेंगे तो उनमें से सारेगामापा ऐसी धुन सुनाई देगी। और ये जो मंडपा है उसे संगीत मंडपा और महामंडपा ये नाम से जाना जाता है। राइट नाउ ये बंद है, अंडर रिनोवेशन है, तो अंदर तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ऐसे और भी अलग अलग मंडपा है, लाइक कल्याण मंडपा, देन और भी कुछ है, तो वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, ये जो हमने बीच में देखा ये है स्टोन चैरियट, उसके राइट साइड में है उत्सव मंडपा और लेफ्ट में है कल्याण मंडपा, और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर म्यूजिकल पिलर्स है जो हमने पहले ही देखे। ये जितने भी यहाँ पर मंडपा है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके ऊपर कार्विंग जो किया है वो देखने जैसा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आए। तो ये सब मंडपा वगैरह देखने के बाद अभी हम लास्ट जा रहे हैं यहाँ का मेन विट्ठला टेम्पल विजिट करने। सो गाइज, आफ्टर विजिटिंग ऑल द मंडपास एंड द फेमस स्टोन चैरियट, अभी लास्ट मैं जा रही हूँ यहाँ का मेन टेम्पल विजिट करने, जो कि विट्ठला टेम्पल है। एज मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर विट्ठल भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि अभी पंढरपुर में शिफ्ट की। तो चलो देखते हैं यहाँ पर अंदर क्या है। तो ये है ये मंदिर का मेन एंट्रेंस एरिया। यहाँ अंदर विट्ठल भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि अभी पंढरपुर में है। इसके सराउंडिंग आप प्रदक्षिणा भी मार सकते हो, जहाँ प्रॉपर लाइट एंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था वो टाइम पे। और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो पता नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं होते हुए भी अंदर आज भी उतना ही पॉजिटिव फील हो रहा था जितना कि किसी एक्टिव मंदिर में होता है। तो आप जब भी हम्पी आओगे तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यहाँ पर आके कैसा फील हुआ। सो आफ्टर दिस चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन, जो कि है क्वींस बाथ। सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट क्वींस बाथ। ये विजयनगर एम्पायर के टाइम से है और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर से ये इंडो इस्लामिक स्टाइल से बिल्ड किया गया है और अंदर इसके ऑर्नेट बालकनीज है। ऑल्सो ये जो पूरा क्वींस बाथ है वो तीनों साइड से ओपनेबल है फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन। इसके अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर स्टेप्स है जो कि वेल की तरफ जाते हैं, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पुराने ज़माने की क्वीन आया करती थी फॉर बाथ। तो इसे थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो अभी मैं आई हूँ हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, जिसका नाम है जनाना एनक्लोजर। ये एक बड़ा सा एनक्लोजर है जिसके चारों साइड से बड़े बड़े वॉल्स है और इसके प्रोटेक्शन के लिए 3 साइड वॉच टावर्स भी बांधे गए हैं। ये एनक्लोजर में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है देखने के लिए, जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट है क्वींस बेसमेंट पैलेस। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है बेसमेंट ऑफ क्वींस पैलेस। ये वुडन का हुआ करता था और ये डिस्ट्रॉय करने के बाद अभी सिर्फ बेसमेंट ही बचा है, और उसके बगल में ही है क्वींस बाथ एरिया। आफ्टर दैट क्वींस बेसमेंट पैलेस के सामने है जल महल। जल महल के बारे में ऐसा कहा करते हैं कि वो समर टाइम में यूज़ किया करते थे किंग एंड क्वीन, जहाँ पर बीच ही में महल हुआ करता था और उसके चारों साइड पानी हुआ करता था, जो वो महल को ठंडा रखता था, और वहाँ जाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज भी बांधा करते थे। आफ्टर दैट जल महल के सामने ही है लोटस महल। लोटस महल ये हम्पी का लेस डैमेज मॉन्यूमेंट है, जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि किंग एंड क्वीन रेस्ट करने के लिए आया करते थे। अब यहाँ पर इसके अलावा और 2 मॉन्यूमेंट्स हैं जो हम देखने अंदर जाएंगे। सो गाइज, ये है एलिफेंट स्टेबल। ऐसे यहाँ पर 11 एलिफेंट डोम स्ट्रक्चर है जिसमें एलिफेंट रहा करते थे, एंड ये बहुत ही ह्यूज है, इसके अंदर से भी आप देख सकते हो। एंड एलिफेंट स्टेबल के बाजू में ही है गार्ड क्वार्टर्स। ये पूरे एनक्लोजर को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर
मल्टीपल गार्ड्स हुआ करते, तो उनके लिए ये क्वार्टर्स यहाँ पर बनाया गया है। तो ये देखने के बाद हम एक और एनक्लोजर देखने वाले हैं जिसका नाम है रॉयल एनक्लोजर। सो लेट्स गो देयर। सो गाइज, आफ्टर लोटस महल अभी मैं आई हूँ हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर जिसका नाम है रॉयल एनक्लोजर। ये विजयनगर एम्पायर के टाइम का है और इसके अंदर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, लाइक महानवमी डिब्बा, देन एक स्टेप वेल है जिसे पुष्करानी कहा जाता है, देन पब्लिक बाथ एरिया, तो वो सब एक्सप्लोर करेंगे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है महानवमी डिब्बा। ऐसा कहते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो ज़माने में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाते थे, लाइक दशहरा वगैरह यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था और किंग एंड क्वीन इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के वो फेस्टिवल्स वगैरह देखा करते थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो लोकेशन है वो है पुष्करानी। ये एक स्टेप वेल की तरह आपको दिखेगा और ये बहुत ही प्रिसाइजली बनाया गया है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि साउंड शो हुआ करता था और किंग एंड क्वीन के लिए एक अलग से सिटिंग एरिया भी है। अब यहाँ पर जो साउंड शो होता था वो इतना लाउड होता था कि ऐसा कहते हैं कि 5 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती थी और पूरे गांव में पता चलता था कि यहाँ पर साउंड शो हो रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पर और भी कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स है, लाइक पब्लिक बात वगैरह, जो कि अभी रुइंस में चले गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर आप ये प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो एंड फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो आफ्टर रॉयल एनक्लोजर दिस इज अवर नेक्स्ट प्लेस जिसका नाम है हजारा रामा टेम्पल। ये हम्पी के इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में से एक आता है जो कि छोटा सा है बट बहुत सुंदर है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू लॉर्ड राम। इसके वॉल्स पर जो कार्विंग्स किया है उसमें आपको रामायण के कुछ किस्से देखने मिलेंगे। तो ये देख के मैं गई नेक्स्ट अंडरग्राउंड शिव टेम्पल। ये टेम्पल ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया है जो कि डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। यहाँ अंदर मेन श्राइन में ऑलवेज वाटर रहता है 24/7 और मॉनसून में तो ये पानी इतना बढ़ता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाती है। इसे ऐसा बनाने का कारण अब तक किसी को नहीं पता बट ज़्यादातर लोग का मानना है कि ये राजाओं के प्राइवेट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज वगैरह करने के लिए ऐसा बनाया गया था। तो अब एक बज चुके हैं और ये टाइम होता है पेट पूजा का, जिसमें मेरे ऑटो ड्राइवर बेस्ट होटल में मुझे लेके आए हैं। तो यहाँ आप भी थोड़ा बहुत खा के अगेन बाकी के प्लेसेस विजिट करने जा सकते हो। तो नेक्स्ट प्लेस जो है हमारी वो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हम्पी। यहाँ हमें विजया विठला टेम्पल में जो टिकट निकाला था वो दिखाना होता है, तो उसे संभाल कर रखना। ये हम्पी का इकलौता म्यूजियम है जिसमें पूरा हम्पी आपको मिनिएचर फॉर्म में देखने मिलेगा। यहाँ मल्टीपल स्ट्रक्चर है एंड विजय एम्पायर की कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो एक्सकवेशन के टाइम मिले थे। आफ्टर म्यूजियम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आई हूँ नरसिम्हा श्रीन एंड बड़ावलिंगा के पास, जहाँ लक्ष्मी नरसिम्हा देवी का लार्जेस्ट स्टैचू है इन हम्पी और उसी के बाजू में बड़ा सा शिवलिंगा है जो कि एक सिंगल रॉक में कट किया हुआ है और बहुत ही मैसिव है इन साइज। अब मैं आई हूँ एक और टेम्पल में जो कि है कृष्णा टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू लॉर्ड कृष्णा, जहाँ बाल कृष्णा की मूर्ति हुआ करती थी जो अभी चेन्नई के स्टेट म्यूजियम में है। ये प्लेस फेमस है फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चरल आर्ट एंड कार्विंग, जो कि मेन गेट से लेकर अंदर तक सब कुछ एकदम स्पेक्टाकुलर है। इस टेम्पल के सामने कृष्णा बाजार हुआ करता था इस बड़े से एरिया में, जहां ऐसा कहते हैं कि डायमंड सेल किया जाता था। सो अब एट लास्ट आई एम एट विरूपक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी का सबसे फेमस टेम्पल है। तो सबसे पहले तो अंदर जाके दर्शन लेते और फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल ये हम्पी का सबसे पुराना टेम्पल है जहाँ आज भी लोग वर्शिप करते हैं। ये टेम्पल डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा और ये पूरे इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है। यह लोकल्स तो आते ही है बट उसी के साथ फॉरेनर्स एंड टूरिस्ट का क्राउड भी बहुत रहता है। अब जब भी यहाँ आओगे तो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ की लक्ष्मी जो कि टेम्पल एलिफेंट है उसे जरूर मिलना, बहुत ही फ्रेंडली है और कुछ कॉइन वगैरह देके आप उससे ब्लेसिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन वगैरह लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ डे 2 का सनसेट देखने विरूपक्षा टेम्पल के सामने वाले हिल पर जिसका नाम है मटंगा हिल। ये एक स्मॉल 10 मिनट्स का सिंपल ट्रैक है जिसके टॉप से बहुत ही मैग्निफिसेंट सनसेट दिखाई देता है, तो वो देख के हम्पी बाजार में थोड़ा बहुत शॉपिंग करके यू कैन गो बैक टू योर स्टे।
अब लास्ट डे 3 में देयर आर फ्यू बोनस प्लेसेस व्हिच यू कैन विजिट, ये जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, और एल्स यू कैन जस्ट चिल एट योर प्लेस एंड चेक आउट के बाद रिटर्न जर्नी अब स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज आई नो वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, आपको इसके बजट के बारे में जानना है, तो ये है इसका बजट ब्रेकडाउन। अगर आप मुंबई से हॉस्पिटल तक बस वगैरह करके जाते हो तो उसका 1200 टू 1500 रुपीस पर पर्सन चार्जेस रहता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बस से ट्रैवल कर रहे हो, और बस के रेट चेंज होते रहते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो हॉस्पिटल से आपको आपके स्टे तक ऑटो करनी होगी, तो उसका कॉस्ट होगा कुछ 800 से लेकर 1000 रुपीस तक। तो ये आपके स्टे के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने स्टे किया था एट हम्पी नेचर कॉटेज जिसका कॉस्ट है 1500 रुपीस टू 2000 रुपीस फॉर 3 days एंड 2 nights पर पर्सन। आफ्टर दैट बाइक रेंटिंग का कॉस्ट है अराउंड 400 रुपीस टू 600 रुपीस पर बाइक, ये भी कॉस्ट चेंज होता रहता है, और बाइसिकल का कॉस्ट है 100 रुपीस पर पर्सन पर डे। अब अगर आप हम्पी में साइट सीइंग करना चाहते हो बाय ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा का कॉस्ट है 2000 रुपीस टू 2500 रुपीस पर ऑटो, तो अगर आप 3 to 4 पीपल होगे तो वो आप डिवाइड कर सकते हो। पूरे हम्पी में सिर्फ एक ही जगह एंट्री टिकट था जो कि विजय विठला टेम्पल के बाहर था, और वो था 40 रुपीस पर पर्सन, जिसमें 3 different प्लेसेस आते हैं, दैट इज विजय विठला टेम्पल, देन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एंड जेनेना एनक्लोजर। नेक्स्ट इज कोराकल राइड। कोराकल राइड का कॉस्ट होता है 1200 रुपीस टू 1800 रुपीस डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग। उसके बाद एक क्लिफ जंपिंग। क्लिफ जंपिंग का कॉस्ट है 500 रुपीस टू 1000 रुपीस, जिसमें आपको लाइफ जैकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और इसका कॉस्ट भी डिपेंड करता है आप किस हाइट से जंप करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज टूर गाइड। हम्पी में प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव टूर गाइड आपको मिलेंगे जो 500 रुपीस पर प्लेस का कॉस्ट लेते हैं, बट ये कॉस्ट डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। अगर प्लेस बड़ी है तो 500 रुपीस कॉस्ट रहता है, प्लेस अगर छोटी होगी तो उसका कुछ कम कॉस्ट रहेगा। अब अगर आप टूर गाइड नहीं लेना चाहते हो, आपको सिर्फ गाइडेड बुक चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी फ्रॉम अराउंड 100 रुपीस टू 200 रुपीस। अब एट लास्ट आता है फूड। फूड का कॉस्ट होता है 500 से लेकर 1000 रुपीस पर पर्सन पर डे, और ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसके पहले मैंने आपको जो कुछ भी बताया, फ्रॉम बस चार्जेस से लेकर मेरे स्टे, देन बाइक रेंटिंग, बाइसिकल रेंटिंग, कोराकल राइड, ये उनके बुकिंग लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन्हें कॉल करके करंट कॉस्टिंग जो है वो पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी 3 days 2 nights की कंप्लीट आइटिनरी ऑफ हम्पी। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया। अगर मुझे कभी वापस जाने का चांस मिलता तो मैं तो वो डेफिनेटली चांस लूंगी। तो अगर कभी आप भी हम्पी जाते हो तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड उसी के साथ अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, वहाँ पर भी मैं न्यू अपडेट्स डालती रहती हूँ। बाय द टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।